हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ व्यूअर्स रेफ्रिजरेटर के वायरिंग के बारे में जानना चाहते थे, तो आज मैंने आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, बल्ब, डोर स्विच, थर्मोस्टेट, थर्मो हीटर, टाइमर, इवोपरेटर फैन मोटर, कंप्रेसर रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर, बायोमेटल फ्यूज़ और डिफ्रोस्ट हीटर। जो हमारा पावर सप्लाई है वो सबसे पहले यहाँ से ये फेज लाइन है और यहाँ पर ये न्यूट्रल है। तो लैंप को न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है और फेज डोर स्विच में होके लैंप को मिलेगा, तो उस वक्त लैंप ब्राइट होगा। फेज आगे थर्मोस्टेट में होके टाइमर में जा रहा है और जिस वक्त थर्मोस्टेट ऑटो कट ऑफ हो जाएगा उस वक्त सप्लाई थर्मोस्टेट के बदले थर्मो हीटर से पास होगा और उस वक्त कंप्रेसर टाइमर रन नहीं होगा लेकिन थर्मो हीटर गर्म होने लगेगा और उससे थर्मोस्टेट जल्दी क्लोज होगी, स्टार्ट होगी और सप्लाई आगे भेजेगी। तो यहाँ से 3 नंबर पे सप्लाई आ रहा है फेज और 3 नंबर में होके टाइमर मोटर के पॉइंट पे जा रही है और दूसरी सप्लाई जो है 1 नंबर पे वह हमें न्यूट्रल मिलेगी। न्यूट्रल यहाँ हीटर में से होके फ्यूज में होके 1 नंबर पे न्यूट्रल आ रहा है। और जैसे ही टाइमर मोटर को फेज और न्यूट्रल मिलने लगेगा तो टाइमर मोटर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 मोड है, एक तो कूलिंग मोड और दूसरा डिफ्रोस्टिंग मोड। जब 3 और 4 का कांटेक्ट होगा तो सप्लाई जो है वह कंप्रेसर और इवोपरेटर फैन में जाएगा, तो उसे हम कूलिंग मोड कहेंगे। और दूसरा, जब 3 और 2 का कांटेक्ट होगा और सप्लाई जो है वो डिफ्रोस्ट हीटर में जाएगा तो उसे हम डिफ्रोस्टिंग मोड कहेंगे। तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी, टाइमर स्टार्ट होगा तो 3 और 4 का कांटेक्ट होगा और 6 या 8 घंटे के बाद जब टाइमर डिफ्रोस्टिंग मोड पे जाएगा तो 3 और 4 को ओपन करके 3 और 2 का कांटेक्ट होगा, तो उस वक्त सप्लाई जो है वो आगे जाएगा यहाँ तक। अगर उस वक्त बायोमेटल पे आइस जमी हुई है तो वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज मतलब सप्लाई को आगे भेजेगा, आगे यहाँ तक, यहाँ से होके हीटर तक जाएगा और हीटर को यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और ऊपर से फेज मिलना शुरू हो जाएगा तो हीटर रन करेगा और डिफ्रोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उसी वक्त जब फेज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो टाइमर मोटर को यहाँ से भी फेज मिल रहा है और यहाँ से भी फेज मिल रहा है, तो उसकी वजह से मोटर रन नहीं करेगी, टाइमर बंद हो जाएगा और हीटर चालू हो जाएगा। उस वक्त जब डिफ्रोस्टिंग हो जाएगा कंप्लीट तो बायोमेटल थर्मो जो है बायोमेटल वह ओपन हो जाएगी और सप्लाई जो है यहाँ तक रुका रहेगा, तो पहले की तरह यहाँ से न्यूट्रल जो है वह आगे टाइमर मोटर को मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से फेज मिल रहा था तो टाइमर के चालू होने से 3 और 2 का कॉन्टैक्ट वापस ओपन होके 3 और 4 का कॉन्टैक्ट करेगा और कंप्रेसर कूलिंग मोड चालू हो जाएगा। और यह फ्यूज़ जो है यह क्या काम करता है देखते हैं। जिस वक्त किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हीटर चालू रहता है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस हीटर चालू रहने से नुकसान हो सकता है, तो उससे पहले यह फ्यूज़ जो है वह 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आने पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी और हीटर भी बंद हो जाएगा और आगे सप्लाई मिलना टाइमर को बंद हो जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वायरिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।